हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं पांच सबसे अमेजिंग, अजीबोगरीब और मिस्टीरियस वीडियोस। यदि आप भी मिस्टीरियस या अजीबोगरीब वीडियोस देखना पसंद करते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह वीडियो। हमारी पहली वीडियो का नाम है क्रीपर इन माय अपार्टमेंट। हमारी ये वीडियो 8 नवंबर 2009 न्यूयॉर्क शहर की है। इस वीडियो में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत समय से एक शख्स के घर में रह रही थी। ज़रा आप ही सोचिए, यदि आपके अपार्टमेंट में कोई कई दिनों से रह रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? हमारी ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी के लिए एक कमर्शियल के तौर पर बनाई गई थी, जिस कंपनी का नाम है मैकडोनल्ड्स। इस कमर्शियल के कारण मैकडोनल्ड्स कंपनी का सालों तक नाम बदनाम हुआ, बट फाइनली आज सभी लोग इस कमर्शियल को लगभग पूरी तरह भुला चुके हैं। हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। हमारी ये वीडियो का नाम है मैन गेट्स लॉस्ट इन कैटाकॉम्बस ऑफ पेरिस। हमारी ये वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर बनाई गई थी, जब कुछ लोगों के हाथ एक मिस्टीरियस फुटेज लगी, जिस फुटेज में हम एक शख्स को देखते हैं जो कैटाकॉम्बस पेरिस के अंदर फंस कर गायब हो जाता है। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को कैटाकॉम्बस ऑफ पेरिस के बारे में कोई जानकारी ना हो। तो कैटाकॉम्बस ऑफ पेरिस पेरिस में मौजूद अंडरग्राउंड सुरंग का एक विशाल जाल जैसा है, जिसके बारे में लगभग ना के बराबर लोग ही जानते हैं। यदि आप इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो की ओर। क्या आपको अर्थक्वेक से डर लगता है, या आपने कभी रियल लाइफ अर्थक्वेक महसूस किया है? यदि नहीं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का नाम है मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एले अर्थक्वेक। ये वीडियो एले में आई अर्थक्वेक के वक्त रिकॉर्ड हुई थी, जो कि ये दर्शाता है कि एक अर्थक्वेक का छोटा सा झटका भी कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। And then kind of go in here at the bottom. हमारी ये वीडियो इंटरनेट की वन ऑफ द मोस्ट क्रीपी वीडियोज में से एक है, और इस वीडियो का नाम है सैड सैटर्न डीप वेब हॉरर गेम। हमारी ये वीडियो एक गेम फुटेज है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यह फुटेज डार्क वेब से आई है, और लोगों का ये भी मानना है कि ये गेम खेलने से शायद आप पागल तक हो सकते हैं। कई लोग तो इस गेम को ब्लू व्हेल गेम से भी जोड़ते हैं।
पर आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।